हेलो टू एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है स्टेनिंग टेक्निक्स, जो माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है। स्टेनिंग किसमें करते हैं? बैक्टीरिया में करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द मेन सेशन, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्यों पढ़ने जा रहे हैं। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई स्टेनिंग इज रिक्वायर्ड? वॉट डू यू थिंक दैट वाई स्टेनिंग इज रिक्वायर्ड? सो द ओनली आंसर इज टू एनहांस द कंट्रास्ट इन द माइक्रोस्कोपिक इमेज। मीन्स जब भी किसी बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखना होता है तो वो इतना माइन्यूट होता है, तो उसका इमेज कंट्रास्ट को इम्प्रूव करने के लिए स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एंड देर आर टू टर्म्स, वन इज स्टेनिंग एंड सेकेंड इज स्टेन। स्टेनिंग इज नथिंग बट द प्रोसेस एंड स्टेन इज द मेन डाई और द कलर जिसकी वजह से स्टेनिंग करते हैं। तो स्टेनिंग इज ऑल बिकॉज ऑफ माइक्रोबियल साइटोप्लाज्म इज यूजुअली ट्रांसपेरेंट। क्यों रिक्वायरमेंट होती है? एक तो हो गया कंट्रास्ट इम्प्रूव करने के लिए, एंड सेकेंड होता है जो माइक्रोबियल साइटोप्लाज्म होता है वो यूजुअली ट्रांसपेरेंट होता है, तो जब भी हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो वो विजिबल नहीं होगा, इसलिए उसकी विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्टेनिंग करते हैं। एंड इट इज नेसेसरी टू स्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिफोर दे कैन बी व्यूड अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। नाउ वॉट इज स्टेन? स्टेन इज अ सब्सटेंस दैट अडेयर्स टू द सेल। अब यहाँ पे आपको एक बात बताते हैं, जो स्टेन होता है वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है एंड न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन जो माइक्रोबियल साइटोप्लाज्म के सेल ऑर्गेनल्स हैं वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव का जो इंट्रैक्शन होता है, इसके बेसिस पे ही पूरा स्टेनिंग का प्रिंसिपल डिपेंड करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से स्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल ऑर्गेनल्स से अडेयर होता है और सेल को कलर प्रोवाइड करता है, इसलिए स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सो देयर आर टू टाइप्स, सिंपल स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग में भी दो सब टाइप है, एक है पॉजिटिव एंड एक है नेगेटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेन पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। सो सिंपली उसी के बेसिस पे इसकी दो सब क्लासिफिकेशन कर दी गई है, पॉजिटिव स्टेनिंग एंड नेगेटिव स्टेनिंग। तो देयर इज नथिंग डिफिकल्ट टू लर्न इन दिस। बट डिफरेंशियल स्टेनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस स्टेनिंग हमें पता है वो है ग्राम स्टेनिंग एंड सेकेंड वन इज एसिड फास्ट स्टेनिंग। सो ग्राम स्टेनिंग तो सबने सुना होगा और पढ़ा भी हो सकता है, बट एसिड फास्ट स्टेनिंग के डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। सो आज के सेशन में वॉट वी आर गोइंग टू कवर इज ओनली सिंपल स्टेनिंग इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग का बेसिक प्रिंसिपल सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का इंट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। एज आई टोल्ड यू, सेल ऑर्गेनल्स नेगेटिवली चार्ज होती है, विच यू कैन सी ओवर हेयर। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया बेसिक स्टेन का विथ पॉजिटिव क्रोमोफोर। सो बेसिक स्टेन में पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है जो जाके ये नेगेटिव चार्जेस से इंट्रैक्ट करते हैं। हेयर यू कैन सी पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बाइंडिंग होती है, जिसके वजह से या तो बैक्टीरिया कलर्ड हो जाता है या फिर उसका बैकग्राउंड कलर हो जाता है। अगर बैक्टीरिया कलर होता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्टेनिंग, अगर बैकग्राउंड कलर हो जाता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव स्टेनिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरियल सेल पिंक कलर का हो गया, बट बैकग्राउंड इज इन वाइट कलर ओनली। तो इसलिए ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव स्टेनिंग का। अब पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेनिंग में और क्या डिफरेंस, यहाँ पे हम डिफरेंस समझेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं सिंपल और डिफरेंशियल में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। सिंपल स्टेनिंग में हमेशा सिंगल डाई यूज होती है, ओनली वन डाई इज यूज्ड, लेकिन डिफरेंशियल स्टेनिंग में चाहे वो ग्राम स्टेनिंग हो या फिर वो एसिड फास्ट स्टेनिंग हो, हमेशा उसमें मल्टीपल डाइज का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले ये एक डिफरेंस हो गया सिंपल और डिफरेंशियल में। अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव स्टेनिंग और नेगेटिव स्टेनिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो पॉजिटिव स्टेनिंग क्या होता है आपका, इसमें डाइज जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म मटेरियल जो नेगेटिव नेचर का होता है उसके साथ बाइंड करती है, जो जस्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में एग्जाम्पल देखा। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि साइटोप्लाज्म मटेरियल नेगेटिव क्यों होती है? उसका रीजन ये होता है कि वहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस होती है, इसलिए
पॉजिटिव बैक्टीरिया, पॉजिटिव स्टेनिंग में हमेशा बैक्टीरिया को कलर मिलता है. यू कैन सी दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल बैक्टीरिया आर कलर्ड. दिस इज मेन डिफरेंस. एंड नेगेटिव स्टेनिंग में क्या होता है? नेगेटिव स्टेनिंग में डाई नेगेटिव हो जाती है, लेकिन साइटोप्लाज्म मटेरियल तो स्टिल नेगेटिव ही रहेगा. अब हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव तो इंट्रैक्ट करता है, अडेयर करता है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो नेगेटिव और नेगेटिव है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो ये नेगेटिव नेगेटिव होने की वजह से क्या होता है? रिपल्शन होता है बाय साइटोप्लाज्म. और जब साइटोप्लाज्म डाई को रिपेल करता है, उसकी वजह से बैक्टीरिया के सराउंडिंग में वो डाई जाके गैदर हो जाती है. और इस केस में बैक्टीरियल सेल कलर अटेन नहीं करता, लेकिन उसका बैकग्राउंड जो है वो कलर को अटेन कर लेता है. इसको हम इमेज व्यू से समझते हैं. जस्ट सपोज ये आपका एक बैक्टीरिया है, नॉर्मल बैक्टीरिया, इसमें कोई स्टेनिंग नहीं है, ठीक है. ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है, ये बैक्टीरिया के सेल ऑर्गेनल्स हैं, ओके. अब ये आपका पॉजिटिव स्टेनिंग के बाद बैक्टीरिया इस कलर का दिख रहा है. मतलब क्या हुआ? जो बैक्टीरिया के सेल ऑर्गेनल्स हैं वो आपके पिंक कलर को अटेन कर लिया उसने, प्राइमरी डाई को एब्जॉर्ब करके. अब नेगेटिव स्टेनिंग में क्या हुआ? डाई आपकी नेगेटिव थी, तो आप देखो ओरिजिनल इमेज जो नॉर्मल था, यहाँ पे भी बैक्टीरियल सेल ऑर्गेनल वाइट है और यहाँ पे भी वाइट है, लेकिन बैकग्राउंड पूरा आपका ब्लू हो गया. उसका रीजन यहाँ पे है बिकॉज जो ये ऑर्गेनल्स है, इन्होंने साइटोप्लाज्म ने इसको रिपेल कर दिया और बैकग्राउंड को कलर अटेन करना पड़ा. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल एंड डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेनिंग. अभी तक हमने स्टेनिंग के बारे में देखा है, पूरा प्रोसेस देख लिया, लेकिन हमारी सेकेंड टर्म थी स्टेन्स. तो देखते हैं स्टेन की क्लासिफिकेशन क्या है जो हम इतने टाइम से देख रहे हैं, एसिडिक स्टेन, बेसिक स्टेन या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेन. सो एसिडिक स्टेन के हेयर आर फोर एग्जाम्पल, निग्रोसिन, इओसिन, कार्बोल फ्यूशन एंड मेलाकाइट ग्रीन. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक स्टेन. देन बेसिक स्टेन के एग्जाम्पल है क्रिस्टल वॉयलेट, मिथाइलिन ब्लू एंड सैफ्रनिन. अगर आप अपने रिकॉलिंग पावर के अकॉर्डिंग सोचो तो आपने लैब में मोस्टली बेसिक स्टेन यूज किया होगा, बिकॉज लैब में हम सिंपल स्टेनिंग यूजुअली नहीं करते हैं, हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं एज अ प्रैक्टिकल. और ग्राम स्टेनिंग में हमारे क्रिस्टल वॉयलेट और सैफ्रनिन बोथ आर यूज्ड. तो ये आपको इजीली याद होगा, लेकिन मे बी आपको ये ध्यान ना हो कि ये स्टेन बेसिक स्टेन है. तो अब से जब भी अगर आप प्रैक्टिकल करो सो रिकॉल करना कि जो भी हम ग्राम स्टेनिंग में स्टेन यूज कर रहे हैं दैट इज बेसिक स्टेन. एंड उसके अलावा जो आप ये निग्रोसिन, इओसिन, ये सब आपके एसिडिक स्टेन है. अब थर्ड क्लासिफिकेशन आती है न्यूट्रल स्टेन. न्यूट्रल स्टेन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, इसलिए ये न्यूट्रल होता है और इसको एम्फी भी बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल है जीमसा स्टेन, लीशमैन स्टेन एंड राइट स्टेन. सो ये आपके जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यू हैव टू लर्न इट. दिस वॉज स्टेन्स क्लासिफिकेशन. नाउ नेक्स्ट इज प्रोसीजर, कि ये पूरा प्रोसेस करते कैसे हैं. तो इसका सिंपल तीन स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप होता है स्मियर प्रिपरेशन, सेकंड होता है हीट फिक्सिंग एंड थर्ड होता है स्टेनिंग. तो स्मियर प्रिपरेशन में क्या होता है, आपकी जो ग्लास स्लाइड होती है उसको क्लीन करना होता है, उसके ऊपर एक ड्रॉप डिस्टिल वाटर लेना होता है और आपको माइक्रोबियल वो लेना होता है सैंपल, माइक्रोबियल सैंपल. देन सेकेंड स्टेज में हीट फिक्सिंग आता है. हीट फिक्सिंग का मतलब होता है कि आपने जो भी सैंपल स्लाइड पे, ग्लास स्लाइड पे प्रिपेयर किया है उसको हीट करना है. हीट की वजह से एक्स्ट्रा मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाएगा और बैक्टीरिया अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा. एंड इसकी वजह से जब आप पूरा प्रोसेस करोगे तो बैक्टीरिया अपने प्लेस पे फिक्स हो जाएगा. सो हीटिंग इज डन टू फिक्स द स्मियर. उसके बाद हीट करने के बाद उसको एयर ड्राई भी करना होता है या फिर आप ब्लॉटिंग पेपर यूज करके एक्स्ट्रा मॉइस्चर ब्लॉट करके रिमूव कर सकते हो. देन द थर्ड स्टेप इज स्टेनिंग, जहाँ पे आपको वो स्मियर को जो हीट के थ्रू फिक्स्ड हो चुका है उसको सैफ्रनिन या फिर निग्रोसिन, मतलब एसिडिक या बेसिक कोई भी डाई लेके उससे फ्लड कराना होता है, उसके ऊपर पोर करना होता है, फिर उसको एयर ड्राई करना होता है या फिर आप एक्स्ट्रा एयर ड्राई करने के बाद उसको आप वॉश कर सकते हो. वॉश किस लिए करते हैं? एक्स्ट्रा स्टेन को रिमूव करने के लिए. उसके बाद उसको फिर से ड्राई करो और
लास्ट स्टेप होता है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी से पहले यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप होता है, इसमें आपको इमर्शन ऑयल की ड्रॉप पुट करनी होती है, बिकॉज इमर्शन ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैग्निफाइड व्यू। एंड दिस इज द लास्ट समराइज्ड व्यू ऑफ सिंपल ग्राम स्टेनिंग, जहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोबियल सेल नेगेटिवली चार्ज है। अगर पॉजिटिव स्टेन लेते हैं तो डार्क माइक्रोबियल सेल को कलर मिलेगा, लेकिन अगर नेगेटिव स्टेन लेते हैं तो सेल आपका क्लियर, माइक्रोबियल सेल आपका क्लियर रहेगा और बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा। अगर आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड प्लीज़ डू वन थिंग, अगर आपको ये अच्छे से पूरा समझ आया है सो जस्ट टाइप येस इन कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज योर येस विल मेक अस स्माइल। थैंक यू।